मोबाइल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। हम आप लेकर आ गए हैं फिर एक अनबॉक्सिंग पोको एक्स सिक्स। पोको एक्स सिक्स काफी अच्छा फोन है, काफी बेस्ट क्वालिटी का। आपकी प्राइस इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है पोको एक्स सिक्स, पोको एक्स सिक्स प्रो का, और काफी बेस्ट क्वालिटी है इसमें। और इसमें पोको वालों में पहला फोन है ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की इनको कमी होती थी, जो भी लोग लेते थे कुछ लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वजह से पोको को कैंसिल कर देते थे, रेडमी को कैंसिल कर देते थे। अभी फिलहाल इन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी कर दिया है, बाकी बेजल वगैरह भी काफी अच्छे दे दिए हैं और क्वालिटी काफी अच्छी है इनकी। ये देखिए बेजल वगैरह एकदम बेस्ट क्वालिटी का, बैक कवर वगैरह भी काफी अच्छा दिया हुआ, कैमरा में भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर दिए ये लोग ने। तो अभी इन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे, लेकिन साल दो साल पहले तीन साल पहले जो इनका काफी वैल्यू खराब हो गया था, लेकिन ऐसे ही काम अगर करते रहेंगे तो लोगों का थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट इसमें बढ़ेगा, क्योंकि इनको प्राइस जो होता है वो काफी अच्छा प्राइस होता है और क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। और ये देखिए मैं एक साल से मैं यूज कर रहा हूँ ये पोको एफ फोर। पोको एफ फोर ये काफी अच्छा फोन है, ये आप देख सकते हैं, और काफी बेस्ट फोन है। इसको भी मैं यूज कर रहा हूँ, एक साल से ऊपर हो गया, फिलहाल इसमें अभी मुझे कोई इशू लगा नहीं है और फिलहाल ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो वैल्यू पहले थी, जो मदरबोर्ड का जो ये सब था, ये लोगों को थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से इनका जो है जिनका जो भाई पैसा गया, जिनका मदर बोर्ड गया, जिनका जो दिक्कत हुई है वो लोग तो कभी लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया भाई ये लेना नहीं है। लेकिन काम अभी फिलहाल अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, हम ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और क्वालिटी बेस्ट है आपकी, आपकी जो ये इन्होंने क्वालिटी रखा हुआ है ये पोको एक्सिस, पोको एक्सिस प्रो, प्राइस वगैरह भी काफ़ी अच्छा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आ गया है। चलिए अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप अगर पोको पे ट्रस्ट है तो खरीदिए, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप मत खरीदिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बॉक्स मैंने खुलवा लिया है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप अगर खुलवा के लेंगे तो ठीक है और नहीं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो कंपलसरी अब खोल के हो ही गया, पहले क्या होता था वो आगे पीछे का फोटो खींच लेते थे और दे देते थे, पर अब कंपलसरी खोलना ही होगा नहीं तो ये कैंसिल आप करवा सकते हैं। ये है पोको एक्स सिक्स 5G, आप देख सकते हैं पुराना ही डिब्बा है जैसा पहले आते थे काला और पीला, और पूरे इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं पावरफुल स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर है, 1.5K 120Hz डिस्प्ले, 1.5K इस प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 67W चार्जिंग है, 64 का तीव्र रियर कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अब पोको में आ गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। चलिए इसको सील ओपन करते हैं। ये रहा बॉक्स, इसमें पोको लिखा हुआ है, डिवाइस को हम साइड में रख देते हैं। हम आ जाते अपने इस पर, ये देखिए 67W चार्जिंग है, जो नॉर्मल देते हैं वही है, और ये डेटा केबल है, ये देखिए ए टू सी टाइप केबल है, ये देखिए, और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको रख देते हैं साइड में और हम आ जाते हैं बॉक्स इस पे, ये देखिए बैक कवर है, बैक कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, ये देखिए बैक कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हम इसको टेस्ट करा देंगे, ये यूज़र मैनुअल भी कोई नहीं पढ़ता है। हम आ जाते हैं अपने डिवाइस पे, ये देखिए ये तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है और पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा, वाइट का फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा, और ये देखिए ये मैट फिनिशिंग है, आपके इसमें कुछ फिंगर के नहीं दिखे, सिर्फ इसमें फिंगर के, इसमें भी जो है मैट फिनिशिंग दिख रहा है मुझे, इसमें भी फिंगर के निशान नहीं दिख रहे हैं, और बॉक्सी डिज़ाइन है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। 1.5K डिस्प्ले है और डिस्प्ले विक्टेस है, फिलहाल इसमें बॉक्स में तो कहीं मेंशन नहीं है, इसमें विक्टेस है या नहीं, इसमें अभी फिलहाल कुछ फ्यूचर लिखे विक्टेस है या नहीं है इसमें, या प्रो में तो हाई है विक्टेस, इसमें है या नहीं हम आपको बताएंगे। और ये कैमरा बम्प देखिए काफ़ी निकला हुआ है, ये देखिए कैमरा बम्प काफ़ी निकला हुआ है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये चालू हो गया फ़ोन, और चलिए हम आपको ऑल रिव्यू दे देते हैं। ये देखिए गड्ढा ये मिल जाता है आज के टाइम पे, ये गड्ढा बहुत से फ़ोन में कट जाता है। स्पीकर है, नॉइस कैंसिलेशन है, और ये आईआर ब्लास्टर है रिमोट बनाने के लिए, ये साइड में पावर बटन है, और ये वॉल्यूम रॉकर है, इधर स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है, और ये सिम जेटेड टूल है, इधर कुछ नहीं है, और ये प्लास्टिक है, ये ग्लास बॉडी नहीं, ये प्लास्टिक है क्वालिटी। और ये भी देखिए बेजल, देखिए आप बेजल देखिए चारों तरफ एकदम बराबर है, आप देख सकते हैं, देखिए देख रहा है आपको, ये चारों तरफ बेजल एकदम बराबर है, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं आप। ये डिस्प्ले काफ़ी इस प्राइस में पहले जो महंगे महंगे फ़ोनों में आता था, लेकिन अब डिस्प्ले ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, ये देखिए
और इधर आप भी देख सकते हैं एकदम बराबर है। तो चारों तरफ बेजल बहुत अच्छे हैं और कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल फ्रंट 16 है, पीछे 64 है, 8 है और 2 है, और ये जो है फ्लश इसी के अंदर है। वन प्लस में ये चीज़ बाहर थी, लेकिन ये ग्लास के अंदर ही है फ्लश भी। चलिए हम सेटअप करके फिर मिलते हैं आपके पास। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बैक कवर हम आपको चढ़ा के दिखा देते हैं। ये देखिए बैक कवर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये देखिए ये ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है आपका। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है ये, तो ये आपको ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा देगा, और ये ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है और बैक कवर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा बैक कवर चढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेजल जैसे चौड़ा लग रहा है, और ये देखिए बैक कवर जैसे उतारेंगे तो आपको बेजल बहुत ही कम लगेंगे। ये देखिए चलिए हम सेटअप करके फिर मिलते हैं। चलिए सेटअप कर हम आ गए हैं। ये देखिए आपको मैंने पूरा दिखाई दिया था ऑल रिव्यू, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसे पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ महंगा फ़ोन आप पकड़े हुए हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, स्पीकर वगैरह भी काफ़ी अच्छे, और आईआर ब्लास्टर डबल स्पीकर नॉइस कैंसिलेशन और हेडफोन का गड्ढा ये भी इसमें मिल जाता है आपको। और ये डिज़ाइन ये देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, ऐसा आप चमक रहा है और मैट फिनिशिंग है। और इसके बेजल तो आपको मैंने दिखा ही दिया है कि काफ़ी अच्छे हैं, और ये अब पोको वाले अब फिंगरप्रिंट भी देने लगे हैं। इनका मेरे ख्याल से पोको का पहला फ़ोन है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। और ये देखिए आप, चलिए पहले हम सेटिंग में दिखा देते हैं चलते हैं, उसके बाद हम आपको फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक वगैरह दिखा देते हैं। सेटिंग में आ जाते हैं, ये देखिए अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं, और ये देखिए 256 GB मत से 28 GB, 28.5 GB यूज़ है, बाकी आपको जो है यूज़ करने में बाकी खाली मिल जाता है। और ये देखिए एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है, एंड्रॉयड 13, और आपको 2 साल एंड्रॉयड और 3 साल सिक्योरिटी पैच आपको इसमें मिलेंगे। ओप्पो ने वादा किया है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 2023-12-1 का सिक्योरिटी पैच है। तो इसमें जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखिए लोड वेयर साथ में दिए हुए हैं, आप ये देखिए इसमें कुछ लोड वेयर साथ में मिलते हैं, पर इनको आप डिलीट मार सकते हैं। ये देखिए आप कोई भी आप डिलीट मार सकते हैं, ये देखिए गेम है तो ये भी आप डिलीट मार सकते हैं, तो आप इसको डिलीट मार देना, तो इसको क्लीन कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम आपको स्पीकर सुना देते हैं। स्पीकर काफ़ी अच्छा है, डुअल स्पीकर है, और फिलहाल अभी नेट मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, वाईफाई अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। हम आपको अभी फ़िलहाल ऐसे ही ये देखिए इधर से भी आवाज़ आ रही है और इधर से भी आवाज़ आ रही है। ये देखिए इधर से भी आवाज़ आ रही है और इधर से भी आवाज़ आ रही है। ये देखिए रिंग में जाते हैं, ये देखिए इधर से भी आवाज़ आ रही है और इधर से भी आवाज़ आ रही है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। ये देखिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये ऑल इन वन डिस्प्ले भी आप लगा सकते हैं अपने तरह, अलग अलग जो भी EMI में मिलते हैं वो सारे हैं। और हम आपको फेस लॉक दिखा देते हैं, देखिए फेस लॉक भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए फेस लॉक काफ़ी अच्छा है, फेस लॉक भी आपको फटाक से काम करता है। ये देखिए हम आ जाते हैं कैमरे पे, कैमरा आपको दिखा देते हैं कैमरे पे। ये देखिए इसका ही खींच के हम दिखा देते हैं, अगर ये छोटा छोटा लिखा हुआ और अगर क्लियर आ जाए तो समझ लीजिए कैमरा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इंडोर में हूँ मैं। ये देखिए शटर स्पीड भी काफ़ी फास्ट है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए आपको एकदम साफ दिख रहा होगा इसमें कि बड़ा बड़ा एकदम, और ये देखिए एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ है, और ये काफ़ी फास्ट है। ये देखिए काफ़ी मतलब कैमरा काफ़ी अच्छा है। हम आपको फ्रंट कैमरा दिखा देते हैं, कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए कैमरा भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरा की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इंडोर में है, आउटडोर में खींचेंगे तो और अच्छा कैमरा आएगा, और इंडोर में भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी दिख रही है, आप इसको देख सकते हैं इंडोर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा है। फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है और बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी कैमरे में। फिर अगर आपको सिर्फ कैमरा ही कैमरा चाहिए तो ये आपके लिए फ़ोन नहीं है,
कैमरा इसमें एक बैलेंस कैमरा है, अच्छा कैमरा उस प्राइस में 20,000 में कैमरा बैलेंस है। पर इसके डिस्प्ले की क्वालिटी, स्पीकर, आईआर ब्लास्टर, हेडफोन का जंग गड्ढा और बेजल 1.5 के डिस्प्ले, 5100 mAh की बैटरी, 67 वाट चार्जिंग, आपको ये सब चीज़ मिल जाता है। तो पोको ने प्राइस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये कर लेते हैं मुद्दे की बात, ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको अगर इसमें 20,000, 18,000, 19,000 डिस्काउंट डिस्काउंट लेके 20,000 में मिल जाता है, 8256 से आपकी स्टार्ट किया हुआ है, 8128 से स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बेजल भी काफ़ी अच्छी और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। आप ये देख सकते हैं ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी, शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर आपको पोको पर ट्रस्ट है तो आप पोको काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और ओवर प्राइस नहीं होता है। और ये MI ऑनलाइन है, MI का सब ब्रांड ही समझ के चलिए, क्योंकि MI और पोको ये एक ही फ़ोन, ये वही फ़ोन है, रेडमी नोट 12 प्रो। रेडमी नोट 12 प्रो और पोको X6 में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक कैमरे के सेंसर का फ़र्क है और थोड़ा सा 19-20 कुछ फ़र्क होगा, बाकी मुझे तो फ़िलहाल कैमरे के सेंसर का ही फ़र्क लग रहा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। फ़िलहाल कुछ रहेगा तो हम आपको फुल डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको अगर ये लेना हो तो आप ये ले सकते हैं 20,000 में, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी, आपको ये चीप फ़ोन नहीं लगता है कि बेजल काफ़ी बड़े हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, डबल स्पीकर नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन, IR ब्लास्टर इस प्राइस में भी मिल जाता है, कैमरा का है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और बैक कवर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है, तो डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वाइट कलर का। अब आपको अपनी अपनी चॉइस पे है, और बेजल भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा ये देखिए जी, ये चारों तरफ ये बेजल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं बेजल। चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ।